शुक्रवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और विधायक कृष्णा खोपड़ी ने पाड़ी ओवरब्रिज और मेट्रो से हो रही ट्रैफिक की समस्या का जायजा लिया। इस दरमियान बात करते हुए विधायक खोपड़ी ने आशा जताई कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस पुल का काम पूरा हो जाएगा। पाड़ी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से नागरिकों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाड़ी ओवरब्रिज और मेट्रो का कार्य भी निर्माणाधीन स्थिति में होने से क्षेत्र की जनता को यातायात से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नागरिकों को हो रही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और विधायक कृष्णा खोपड़े ने पाड़ी ओवरब्रिज और मेट्रो का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो और NHAI के अधिकारी मौजूद थे। मेट्रो का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और वो जनवरी से नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मेट्रो अधिकारियों की ओर से दिया गया, जिसके बारे में विधायक कृष्णा खोपड़े ने अधिक जानकारी साझा की। पार्टी ओवरब्रिज आणि मेट्रो याचा ट्रॅफिकचा जायजा घेण्याकरिता माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार या ठिकाणी आले होते। एक महिना पहिले त्यांनी आदेश काढले, त्याचं नोटिफिकेशन निघालं का या परिसरातून येणाऱ्या सगळ्या जे शहरामध्ये येणारे जड वाहन होते त्याच्यासाठी त्यांनी बंदी लावली होती, आणि म्हणून ते इम्प्लिमेंट बरोबर झालं किंवा नाही झालं या संदर्भात त्यांनी आज निरीक्षण केलं। सगळे या ठिकाणी NHAI अधिकारी, मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते आणि मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं का डिसेंबरपर्यंत आमच्या मेट्रोचं काम पूर्ण कम्प्लीट या ठिकाणी होणार आहे आणि जानेवारीपर्यंत पारडी ओव्हरब्रिजचं काम कम्प्लीट होणार आहे, आणि त्या दृष्टिकोनातून हा सगळा निरीक्षण दौरा त्यांचा होता आणि निश्चित स्वरूपात कामात आता थोडी प्रगती झाली आहे, प्रगती पथावर काम सुरू आहे आणि आशा आहे का हे डिसेंबरपर्यंत मेट्रो आणि जनवरीपर्यंत पारडी ओव्हरब्रिज पूर्णपणे कम्प्लीट होईल। इस दरमियान विधायक खोपड़े ने आशा व्यक्त की कि जल्द ही इस क्षेत्र की यातायात संबंधित समस्या सुलझेगी, साथ ही पारडी ओवरब्रिज और मेट्रो का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।